चलिए सबसे पहले रिजल्ट दिखाते हैं। बिना अंडे का कैरेटिन मास्क जो घर पर बनाया है बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसे लगाने से पहले मेरे बाल थोड़े रफ एंड फ्रिजी हो रहे थे, आप देख सकते हैं। सो आयुर्वेदा ब्यूटी विद नेहा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सा कैरेटिन ट्रीटमेंट, जो कि एक प्रॉपर प्रोटीन ट्रीटमेंट है। इसे हम घर पर ही बनाएंगे और वो भी कुछ ऐसी चीजों से बनाएंगे जो कि प्रोटीन से भरपूर हैं। आपके बालों को प्रोटीन भी देंगे और कैरेटिन की उस पर एक लेयर भी लगा देंगे। इसका इतना बढ़िया कैरेटिन इफेक्ट आएगा कि आपके बालों में एक बढ़िया सी शाइन आएगी और आपके बाल अंदर से मजबूत भी होंगे। यदि आप अपने बालों के रूट्स पर भी इसको लगाते हैं तो बाल और भी ज्यादा मजबूत होते जाएंगे एंड खूबसूरत होते जाएंगे। आपको इन्हें अपने बालों की रूट से लेकर एंड तक, यानी टिप से लेकर टो तक पूरा आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी ये आपके दो मुहे बालों को भी रिमूव करेगा। आप इस टाइम मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हैं कि मेरे बाल इतने मतलब बुरे नहीं हो रहे हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, और इसमें इस टाइम इतनी ज्यादा शाइन भी नहीं है और हल्का सा ही थोड़ा फ्रिजी भी हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो ये देखिए हल्का सा भी ये फ्रिजी भी हो रहा है। इसके बाद जब मैं आपको इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन दिखाऊंगी एंड उसके बाद मैं आपको बालों को दिखाऊंगी, बाल एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ज्यादा शाइन करने लगेंगे एंड काफी हद तक स्ट्रेट हो जाते हैं। यदि आप इसको पर वीक अप्लाई करते हैं, यानी आप इसको एक जेल फॉर्म में बनाकर रख सकते हैं और आप इसको पर वीक अप्लाई करते हैं, तो आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जैसे कि आप मार्केट में जाकर हजारों रुपए का ट्रीटमेंट कराते हैं एंड उसके बाद आपके बाल खराब भी होते हैं एंड इतने अच्छे टाइम के लिए वो ठीक नहीं रहते हैं। लेकिन इसके बाद आपके बाल और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जिन लोगों को भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम है वो भी इस ट्रीटमेंट को आराम से कर सकते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल है। इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी केमिकल शैम्पू या फिर कंडीशनर यूज करने की भी जरूरत नहीं है, तो है ना ये अमेजिंग। तो चलिए किस चीज से हम इसको बनाएंगे जिसमें इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो एंड ये प्रॉपर प्रोटीन मास्क हो। तो इस बढ़िया से कैरेटिन हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है ये मेथी दाना। तो हमें एक चम्मच, यानी जो हम स्टील की खाना खाते हैं वही वाली, एक चम्मच मेथी दाना चाहिए होगा। मेथी दाना आपकी रसोई में आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये अचार सब्जी सभी में डालने के काम में आता है। इसी के बाद आपको दूसरी चीज़ चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 के साथ साथ ओमेगा 6 और 9 का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज हम यहाँ पर विदाउट एग बहुत ही बढ़िया कैरेटिन ट्रीटमेंट बनाने वाले हैं, तो ये है हमारा मेन प्रोटीन का सोर्स। क्योंकि जो अलसी होती है इसमें बहुत ही कम अलसी में, यानी आपने 1.5 से 2 चम्मच अलसी ली है, यहाँ पर हमने 3 चम्मच अलसी ली है, तो इसमें लगभग 5 ग्राम प्रोटीन है। और तीसरी चीज़ है यहाँ पर हमारे पास ये राइस यानी चावल, जो कि हमने फिर से 3 से 4 चम्मच चावल लिए हैं, जो कि आपके जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च है, जो कि आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी शाइन भी लेकर आता है और बालों को बाइंड करने का काम करता है, यानी धीरे धीरे उसमें एक स्ट्रेटनिंग लेकर आएगा। तो हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज़ की हैं ये बालों को मजबूती तो देती ही देती हैं और बालों में एक शाइन लाएंगी और बालों को स्ट्रेट भी करेंगी। जिनको भी प्री हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी ये मास्क बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है। सेकंड चीज़, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यदि आपके बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इस मास्क को लगाइए, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगेगी, बालों में शाइन आ जाएगी, चमक दिखेगी। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं उनके बाल फ्रिजी नहीं रहेंगे। लास्ट चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है इस तरह का एक फ्रेश एलोवेरा जेल। सबसे पहले इन सभी बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दें। सुबह के टाइम आपको देखिएगा ये ऑटोमेटिकली काफ़ी सारा जेल छोड़ चुका होगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा बॉईल करें। थोड़ा बॉईल करने के बाद आप इसको एक साफ कॉटन के कपड़े से या फिर कॉटन की चुन्नी से छान लें कुछ इस तरह से, और इसका ये जो जेली फॉर्म है, जो कि आधे से ज़्यादा जेली फॉर्म हो चुका है अभी, इसे आप आसानी से निकाल पाएंगे। यदि आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक कर लिया तो आपको इसका जेल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये अपनी जेली फॉर्म में गाढ़ा होने लगेगा। अब इसमें आप एक बड़ा एलोवेरा का
पत्ता स्क्रैच करके अच्छे से ऐड कर लीजिए। जितना जेल आपको अभी यूज़ करना है उतना जेल यूज़ करके बाद बाकी आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। आप इसको एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद इसके एप्लीकेशन का जो बहुत ही सिंपल तरीका है वो है एक पम्प बोतल या फिर इस तरह की जो सॉस वाली बोतल होती है घर में, आप इसकी हेल्प से इसको बहुत ही आसानी से अपने पूरे बालों पर अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अच्छे से अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। आपको इसे मांग में भी यूज़ करना है, यानी बालों के सिर की जड़ों में भी अच्छे से यूज़ करना है बालों को मजबूती देने के लिए, और बालों की टिप तक आपको एंड तक इसको यूज़ करना है, जिससे बाल जो दो मुई हो रहे हैं या अनफ्रिजी हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, वो सभी बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। अच्छे से मास्क हमने अप्लाई किया था लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद हमने नॉर्मली इसको शैम्पू के साथ वॉश कर लिया है। अभी भी मेरे बाल हल्के से गीले हैं, बट मुझे आपको दिखाना था तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कितनी ज़्यादा शाइन आ चुकी है। ये देखिए, हमने इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, अभी भी बाल हल्का सा गीला ही है और बिल्कुल भी फ्रिजी भी नहीं है। आप देख सकते हैं कॉम बिल्कुल भी नहीं फंस रहा है कहीं भी, तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज जरूर बताइएगा एंड कमेंट कीजिएगा। यदि आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, जिससे नया वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। सो थैंक यू।